बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध की चपेट में दो रिपोर्टर्स आ गए हैं, बमबारी में घायल हुए हैं। दोनों रिपोर्टर्स फ्रांस के नागरिक हैं, जानकारी मिल रही है। दोनों घायल रिपोर्टर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए किस तरह से आम लोग जद में आ रहे हैं, रिपोर्टर्स जद में आए हैं, उसका वीडियो भी देखिए सामने है। दोनों घायल रिपोर्टर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बहुत खतरनाक है, ये वॉर जोन जहां पर इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये जो रिपोर्टर्स। अभिषेक मैं इस पर पहले आपसे एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर बाकी हमारे मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगी। बहुत खतरनाक होता है ऐसे समय में रिपोर्टिंग करना। दो रिपोर्टर्स उसकी जद में आए हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत खराब हालात हैं इस समय, युद्ध का मैदान है वो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सुमैरा, और बड़ी बात यह कि देखिए एरिया बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ नागोर्ना कारबाग की बात नहीं है, ये बात अंदर तक जा रही है अजरबैजान। जो आपने अभी दिखाया, अजरबैजान के राजदूत ने जो हमसे कहा कि आर्मेनिया के भीतर से हम पर वार किया गया है, पहली बार किया गया है। अभी तक जो वार हो रहा था वो नागोर्ना कारबाग के इलाके से हो रहा था, जो कि हमारा इलाका है, लेकिन अब जो वार हो रहा है वो हो रहा है आर्मेनिया के भीतर से। इसका मतलब ये है कि अजरबैजान अब हमला करेगा आर्मेनिया के भीतर, जो अभी हमला कर रहा था नागोर्ना कारबाग इलाके में, यानी कि एरिया इसका बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है तो सिविलियन आएंगे, रिपोर्टर आएंगे, आर्म फोर्सेस आ ही रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा वहां की और बहुत मुश्किल हालात होते हैं ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना, ऐसी जगह से जानकारी दुनिया तक पहुंचाना। एक प्रॉपर्टी दो दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।